उसमें बैलेंस खत्म हो गया। बहरहाल अभी लाइट आ गई तो मैंने कहा एक क्लास अभी ले लेता हूँ और एक क्लास फिर इंशाल्लाह या तो आज रात को एक्स्ट्रा ले लेते हैं या फिर कल या परसों, जैसे आप बोलोगे एक से दो एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँगा और इसको कवर कर लूँगा इंशाल्लाह जो नुकसान हुआ है। ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को अभी या नहीं? हुजैफा आ गई, इकरा मुनव्वर आ गई। लाइबा बहुत दिनों के बाद आई हो, कहाँ थी गायब? आयशा आए हैं नहीं रिजा आई हैं, फातिमा नहीं आई अभी तक। मंसूर साहब ने लेफ्ट कर दिया नाइश, क्या वो भी बहुत दिनों से नहीं आ रहे? तलहा नजर नहीं सर, आ रहा? मंसूर ने लेफ्ट नहीं किया। नहीं किसने? नाइश कुछ कह रहे हो? आवाज नहीं आई मुझे तुम्हारी। नाइश मुझे आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा भाई मैसेज कर रहे हो, तो कहाँ है भाई वो? इतनी क्लासेस छोड़ने के बाद कैसे पढ़ रहा है? अच्छा चले ठीक है हो जाफा, कोई ना कोई हल निकालते हैं फिर, रात को नहीं तो सुबह में ले लेंगे क्लास, कुछ ना कुछ हल निकालते हैं मिलजुल के। देखे ना आप 2 दिन से यहाँ, असल में मेरे पास लाइट जाती भी है ना तो मेरे पास इंटरनेट का एक अलग पैकेज होता है। इत्तेफाक की बात है कि वो पैकेज खत्म हुआ है, 2-3 दिन से मैं उसको अपलोड नहीं करवा पाया, लोगों से मैं बोल रहा था कोचिंग, वो हुआ नहीं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है वो कल हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ना, हर हालत में इंशाल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल अभी हम क्लास का आगाज करते हैं। हमजा आ गए, मोहसिन आ गए और उबैद कहाँ है भाई? हाँ भाई हमजा उबैद कहाँ है? सर बेर की तबीयत खराब है इसलिए आज वो क्लास नहीं ले रहे। अबे घर पे बैठ के भी तबीयत खराब है, सिर्फ मोबाइल ऑन करके बैठ जाए और क्या है यार, सिंपल इतना सा तो काम है। चलो ठीक है, सर बहुत खराब है। अच्छा चलो अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए। अच्छा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ होमवर्क क्या था? कल तो क्लास ही नहीं हुई, होमवर्क क्या दिया था मैंने? कल कुछ दिन बस एवेन ही करने को दिया था बस। हम और कुछ भी नहीं दिया? नौकर आपने बोला था मैं ग्रुप पे भेज दूंगा लेकिन आपने टाइम ही नहीं। और किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया कि ग्रुप पे होमवर्क? अबे मैंने होमवर्क निकाला तो था, मैंने भेजा नहीं भाई, मैंने होमवर्क नहीं भेजा आप लोगों को। नहीं सर आपने कहा था मैं दे दूंगा लेकिन आपने दिया ही नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 दिया था। तो किसी को तौफीक नहीं हुई कि मुझे ग्रुप पे याद दिला दे कि सर आपने होमवर्क पोस्ट नहीं किया अभी तक? इतवार गुजर गया, पीर गुजर गया, आप होमवर्क तो दे दें, मैं भूल गया तो आप लोग भी भूल गए। सर हम लोग को लगा कि शायद कोई क्वेश्चन कि हाँ कोई कंप्लीट आप शायद करवाएंगे कुछ। चलो और चलो ठीक है, ओके ओके। ये लाइबा जावेद कह रही है, वालेकुम अस्सलाम, आपका आवाज़ नहीं आ रही शायद, मैं इसलिए क्लासरूम नहीं ले रही थी मामू की। अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके लाइबा, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। इकरा आप लेक्चर देख रही थी हमारे? इकरा आप लेक्चर देख रही थी हमारे सारे? नहीं सर मैंने नहीं देखा, मैं अभी देखूंगी। बेटा लाजमी देख लीजिएगा, सही है, आपको मेल बकायदा जा रही थी। सिंपल तरीका है, आप यूट्यूब पे जाके बीकॉम पार्ट वन वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल पे प्ले लिस्ट में जाएं, वहां बीकॉम पार्ट वन वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में जितनी वीडियोस आ रही हैं सारी देख लें वन बाय वन, सही है? तो आपको पता चल जाएगा जी सर बगैर, मैं अभी देख लूंगी सारे वीडियोस, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था फादर लेकिन आप तरीका समझिए मैं किस तरह बोल की। रहा हूँ, तरीका। जी जी समझ गई समझ गई। हाँ प्ले लिस्ट में जाके वहां से देखें, तो बजाय इधर उधर वीडियोस देखने के सारी वीडियोस एक ही जगह नजर आ जाएंगी। ओके स्टार्ट करता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 7। अगर मैंने होमवर्क दिया था तो यार ये तो मुझे याद पड़ता है, मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन 7, इसमें होमवर्क क्या है भाई? ये तो मैंने ही करवाया है। क्वेश्चन 6 करवाया था आपने, क्वेश्चन 6 जैसे ही है, अच्छा 6 और 8 करवाया था आपने ना। अच्छा अच्छा समझ गया, हाँ 8 8 कंप्लीट हो गया था मेरा बेटा। जी सर हो गया था। अच्छा चलो अभी जितना टाइम बाकी है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करें, और फिर बोलो तो रात को अगर क्लास नहीं ले सकते तो फिर होमवर्क दे दूंगा, और आज रात को लाजमी होमवर्क दूंगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है, फिर कल होमवर्क करके आना, सही है? तो जी सर ठीक है। चलो ठीक शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मेरे प्यारे बच्चों, हमें दो कंपनीज का डेटा दे रहा है, कंपनी वन का कंपनी टू से कोई ताल्लुक नहीं है, यूं समझ लो दो बिजनेसेस के बैड डेट्स के बारे में बात हो रही है, सही है? क्या बोला? दो बिजनेसेस के बैड डेट्स की बात हो रही है। सर
सही है। आओ जरा कंपनी वन का डेटा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, चलो भाई अपना मोहसिन पहली लाइन पढ़ के सुनाओ अंग्रेजी में। मोहसिन नाराज होके चले गए क्या? यस सर, क्या पढ़ना है सर? ये सवाल पढ़ना है। वेरी गुड मोमिना, आप भी बहुत दिनों बाद आए। सर नाइन, हाँ इसमें पहली लाइन पढ़े, देखें जहाँ कर्सर मौजूद है। अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एट द ईयर एंड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मोमिना, बहुत दिनों बाद आई हैं आप, सब खैरियत है? सर जी सर, नहीं असल में मेरे मोबाइल का इशू हो गया था, थोड़ा चेंज किया मोबाइल तो अब यानी प्रॉब्लम है। क्लास आप तो लैपटॉप पे देखती थी मेरी वीडियोस। सर लैपटॉप पे नहीं है, मतलब उसकी सेटिंग मुझे समझ में नहीं आती थी। अच्छा चलें चलें चलें, आप वीडियोस देख लीजिएगा, जैसे इकरा मुनव्वर को मैंने बोला आप भी। वीडियोस मैंने देखनी है सर, मैंने पूरा काम भी कंप्लीट है मेरा, यानी एक चलें जो क्वेश्चन पूछने हो फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, सही है? चलें मोहसिन, मोहसिन जरा बताएं क्या लिखा है, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस कब लिखा है भाई? ईयर एंड। तो काम की बात क्या है इस जुमले में, सबसे ज्यादा कीमती बात? मोहसिन भाई, मोहसिन भाई अनम्यूट कर लेना, क्या हो गया, शर्माहट किस बात की भाई, आपसे बात कर रहा हूँ, अनम्यूट करके छोड़ दे। हाँ चले, इस जुमले में कीमती बात क्या है, कीमती कीमती तरीन बात, अब बोलो ना सर। अभी भी हमारे पास राइट है ये लेने का। सबसे कीमती बात है इसमें अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस किस दिन का दिया हुआ है मेरे भाई? ईयर एंड। तो अभी भी हमारी जिंदगी आसान है, अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालना नहीं है। अच्छा लेकिन अगला जुमला जरा फटी हुई आंखों से सब लोग, हाँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स आगे क्या लिखा है? इन द बिगनिंग। एट द बिगनिंग इसका मतलब है ये साल के पहले दिन का बैलेंस है, और अलाउंस फॉर बैड डेट साल के दौरान बढ़ता भी है और कम भी होता है। और जो बच्चा बोले हैं सर ये वाली बात समझ नहीं आई, तो ऐसे खसूसी बच्चों के लिए मैं हमेशा हिफाजती इकदाम रखता हूँ, और वो क्या होता है हिफाजती इकदाम, ये रहा। आओ ये मत बोलना सर हमने ये एंट्री नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे पास कोई इलाज नहीं है अगर तुमने नहीं पढ़ा। देखो ये एंट्री ड्यूरिंग द ईयर बनती है, किस चीज की है, जब तुम्हें पता चले अकाउंट रिसीवेबल अब नहीं मिलेगा तो तुम अलाउंस और बैड डेट्स को कम करते हो। अलाउंस और बैड डेट्स की नेचर बोलो कितनी देर? कॉन्ट्रा एसेट। एसेट बढ़े तो डेबिट, और कॉन्ट्रा एसेट बढ़े तो क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ मेरा बच्चा कि हम अलाउंस और बैड डेट्स को अगर डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अलाउंस और बैड डेट्स को क्या कर रहे हैं, कम। यानी हमने इस एंट्री में अलाउंस और बैड डेट्स को कम किया। अच्छा और सेवंथ एंट्री में देखना जरा अलाउंस और बैड डेट्स को हमने क्या किया दोबारा मोहसिन भाई, बढ़ा दिया। तो इसका मतलब है साल के दौरान जब हमें पता चले कि किसी से पैसे नहीं मिलेंगे तो हम अलाउंस और बैड डेट्स को कम कर लेते हैं, और जब रिकवरी हो तो हम वापस अलाउंस और बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। क्रेडिट कर रहे हैं ना मेरा बेटा, बढ़ा देते हैं, सही है, रिकॉर्ड सर बढ़ा देते हैं वापस, सही है। अच्छा सब लोग क्लियर हैं? सिर्फ मैं मोहसिन से बात कर रहा हूँ तो जेलेसी तो नहीं है आपको कोई किसी किस्म की कि मोहसिन से ही सवाल करे जा रहे हैं? सबको बात समझ आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। वापस आए क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे बच्चों, उसने आपको अलाउंस और बैड डेट्स का बैलेंस कंपनी वन का साल के पहले दिन के दिया है। मैं अदब से कह रहा हूँ कि कंपनी वन और कंपनी टू का आपस में कोई लिंक नहीं है। शुक्रिया। अब ये अंग्रेजी नाइश अपनी खूबसूरत आवाज में पढ़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल राइट रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अब उर्दू में इसका तर्जुमा हो जाए, शाबाश। सर उसने साल उसी साल उसने वादा लिख लिया था, उसका लिख लिया था। नाइश थोड़ा देखिएगा, नाइश पुरसुकून होके बताओ ना यार, टेंशन किस बात की है, पुरसुकून होके बताओ इसका मतलब। अकाउंट रिसीवेबल रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, लिखा हुआ वादा सर उसी ईयर। अच्छा चलो ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। अभी देखो अपना रिजा बताएगी, अलीहा तुम बताओ। चलो अलीहा तुम लोग आज सर हमने साल के दौरान अकाउंट रिसीवेबल को जो हमने लिखा था उसको मिटा दिया है। अच्छा तुम ये बताओ तुम दोनों एक ही आईडी से क्यों आती हो, मुझे पता नहीं चलता। अलीहा बात कर रही है, रिजा तुम दोनों की आवाज मिक्स होती है।
नहीं सर, अलग अलग आवाज तो अलग होती है, वो मोबाइल फिर नेट ज्यादा चाहिए होता है ना एक ही मोबाइल से। अच्छा है फिर। अच्छा मेरा बच्चा, चलो हाँ बात बिल्कुल सही कह रही हो, पते की बात है कि इंटरनेट ज्यादा यूज होगा तो मेरे स्पीड पे फर्क पड़ेगा। जी अच्छा चलो देखो जी, अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न आप दोबारा बताओ तुम क्या बोला तुमने। शाबाश ये अलिया बोले, अलिया सर ये अलिया बोल लिया। साल के दौरान जो हमने अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था उसको मिटा दिया। वेरी गुड एक्सीलेंट, यानी क्यों मिटाया अलिया? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि हमें वो मिलेगा वापस नहीं, मतलब हमें अब कंफर्म हो गया है कि हमें अब अकाउंट रिसीवेबल वापस नहीं मिलेगा। वेरी गुड एक्सीलेंट, खुश रहो। नाइस साहब आपको समझ में आया? जी सर आ गया। ये लिखा नहीं है बल्कि इसको मिटा दिया। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है मिटाना, जो हमारे पास पैसे लेने का राइट था 4,000 रुपए का, हमने उसे मिटा दिया। हाँ भाई अपना लाइव तुम्हें समझ आ रहा है? तुमने लेक्चर देखे है ना? यस सर देखे हैं। आया समझ। तो मुझे साल के पहले दिन मैं अलाउंस में कितने रुपए रख के बैठा हुआ था? साल के पहले दिन मैं अलाउंस में कितने रुपए रख के बैठा हुआ था? लाइबा तुम बोलो। 20,000। दे रहा हूँ नाइस, तुम्हारे सवाल का जवाब खबर कर। जी लाइबा साल के पहले दिन अकाउंट रिसीवेबल में कितने रुपए रख के बैठे हुए थे हम? दोबारा बोलो, आवाज आ रही है? अलाउंस में, अलाउंस में 20,000 रखा था। क्यों रखे हुए थे? क्योंकि हमें लगता था हमें नुकसान। ये पैसे हमने कब रखे होंगे लाइबा? ये हमने साल के शुरू में ही रखे थे ना। अच्छा वेरी गुड, साल के शुरू में रखे या पिछले साल रखे थे? नहीं आप बताएं, मतलब मुझसे पूछ रही हैं या मुझे बता रही हैं? सवाल तो मैंने किया है, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो मेरा सवाल है अलाउंस और बैड डेट्स में ये बैलेंस तो साल के पहले दिन है, ये बैलेंस क्या साल के पहले दिन रखा होगा हमने? हमने पिछले साल रखा होगा। अगले साल के लिए। यस एक्सीलेंट, देखो इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। पिछले साल के आखिरी दिन हमने 20,000 रुपए रखे होंगे ये सोच के कि हमें इस साल नुकसान होगा, तो हमें लाइबा इस साल वाकई में नुकसान हुआ? यस सर हुआ। कितने का? 4,000 का। तो हमने 4,000 रुपए इस 20,000 रुपए में से माइनस कर दिया। अच्छा और यू भी कह सकता हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट को बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है तो ये बताएं अलाउंस और बैड डेट्स का ये बैलेंस 20,000 रुपए कौन सी साइड पर होगा? क्रेडिट साइड पर होगा। एक्सीलेंट, आपके लिए लिख रहा हूँ, सही है, ये सब आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप जिंदा रहें। हाँ ये क्रेडिट में होगा, और ये जो 4,000 रुपए साल के दौरान हमने राइट ऑफ किए इस एंट्री में अलाउंस और बैड डेट्स कहाँ लिखा गया होगा? इसकी एंट्री बनाई होगी ना साल के दौरान, तो इसकी एंट्री में अलाउंस और बैड डेट्स को किस तरफ लिखा होगा? डेबिट लिखा होगा। हाँ जो कहता है सर समझ में नहीं आया, बेवकूफ इंसान है वो भाई, इसकी एंट्री बनती है अलाउंस और बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, है ना? तो हमने अलाउंस और बैड डेट्स को डेबिट किया होगा इस एंट्री में, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ भी डी आर लिखता हूँ और इसका कलर ये रख देता हूँ मिसाल के तौर पर। ओके अच्छा अब इसका मतलब है ये तो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंपनी मंथ के बारे में एनालाइज कर लिया कि साल के आखिरी दिन उसने लोगों से इतने रुपए लेने हैं, साल के पहले दिन वो अलाउंस में इतने रुपए रख के बैठा हुआ था और साल के दौरान उससे 4,000 रुपए कंफर्म हो गया कि अब नहीं मिलेंगे, उसने उसे मिटा दिया। साल के आखिरी दिन रेट ऑफ बैड डेट एस्टिमेटेड, और अब वो कह रहा है बैड डेट्स का अंदाजा कितने परसेंट लगाते हैं? ये 3%। सही है, किस चीज पे लगाते होंगे हुजैफा? किस चीज पे लगाते? अब हुजैफा बोलेगा, हुजैफा 3% किस पे लगाना है? एस्टिमेट ऑफ अकाउंट में ना कॉल बैड डेट। नहीं ये 3% किस पर लगाना है, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। 3% किस पे लगाऊं? नाइस तुमने सवाल जो किया है ना वो सवाल देख के मेरी तबीयत खराब हो गई। तुम बोल रहे हो और सर लिखा हुआ वादा कौन सा होता है? अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ वादा होता है, अकाउंट रिसीवेबल नोट रिसीवेबल होता है लिखा हुआ वादा। अकाउंट रिसीवेबल जुबानी वादे को कहते हैं और लिखे हुए प्रॉमिस को नोट रिसीवेबल कहते हैं। और रिटेन ऑफ, रिटेन के आगे ओ डबल एफ ऑफ लिखा है, तुम अंग्रेजी का तर्जुमा करके मत बताओ मुझे बराए मेहरबानी, रिटर्न माने लिखना होता है, तुमने बोल दिया लिखा हुआ वादा। अबे भाई ओ डबल एफ ऑफ, तुम्हें घर वाले कहते हैं ना स्विच ऑफ कर दो, तो इसका मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ कर दो का मतलब स्विच नहीं होता, स्विच ऑफ का मतलब होता है कि उसको बंद कर दो, तो रिटर्न ऑफ लिखे हुए को मिटा दो। पढ़ा चुका हूँ, तुम लोग याद नहीं रखते हो, सुबह की क्लासेस में ज्यादा इंटरेस्ट है तुम्हारा। बता दो
जी शुक्रिया सर, अब आप बता दें वो अकाउंट रिसीवेबल पे लगाएंगे, नेट क्रेडिट सेल पे नहीं लगेगा पहले, क्योंकि ये बैलेंस शीट में क्योंकि इस सवाल में उसने नेट क्रेडिट सेल दी ही नहीं है, तो मैं चाह कर भी नेट क्रेडिट सेल पे बैड डेट्स मालूम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कंपनी कौन सी अप्रोच इस्तेमाल कर रही है हुज़ैफ़ा, बैलेंस शीट अप्रोच। चलो अच्छा तुमने जवाब दे दिया, थैंक यू। ओके तो बस अब मैं फाइनली सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ने लगा हूँ, आप लोग सब लोग मेरे साथ रहिएगा, कोई बात समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। अपना लाइबा या रिजा, तुम लोगों में से किसी के पास महाजेब का नंबर नहीं है, वो महाजेब क्लास में नहीं है, उसको जरा मैसेज करके बोल दो ना क्लास हो रही है, वो समझ रही होगी आज क्लास। ओके सर, करती हूं मैसेज। और फातिमा, फातिमा भी नहीं क्लास में, ये सब समझ रहे होंगे क्लास में होंगे। सर फातिमा नहीं आएगी, अरिया तो सर जी सर वो शायद ना ये तीनों दिन क्लास ना ले, वो वीडियो देखी थी उसके खानदान में किसी की शादी वगैरह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह भाई, इस वक्त भी अगर कोई शादियां हो रही हैं और अटेंड कर रहे हैं लोग तो बड़ी हिम्मत की बात है भाई। यस सर ये तो है। हाँ चलो अच्छा, अब रिक्वायर्ड वन, कंप्यूट बैड डेट्स एंड नेसेसरी एडजस्टिंग इंक्रीज फॉर अबव कंपनीज, क्या कह रहे हैं, क्या क्या करो, बैड डेट मालूम करो और एडजस्टिंग इंट्री बनाओ जरूरी, सही है, ऊपर दी गई कंपनी की। तो अभी मैंने सिर्फ कंपनी वन को फोकस किया ना, तो हम पहले कंपनी वन की कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट्स करें, इजाजत है? शुक्रिया सर, आप इजाजत ना देते तो मैं क्या करता आज, तो आपने इजाजत दी तो मैं काम का आगाज करता हूँ। और काम का आगाज कुछ यूं होता है कि मैं इसको ले जाता हूँ आखिर में और यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 ना है भाई हुज़ैफ़ा, 9? यस सर 9 है, 9। और मैंने यहाँ पर लिखा जनाब अली, क्या लिखा, कंपनी वन, एक ये कंपनी वन लिखा, जबरदस्त भाई हुज़ैफ़ा, छा गए कंपनी वन, ठीक है। और कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस और एट द रेट 3% तो सवाल में ईयर एंड बैलेंस दिया हुआ है, जरा देखो हमजा भाई, कंपनी वन की बात हो रही है। यस सर दिया हुआ है, 6 लाख रुपए। वेरी गुड मेरा बेटा, खुश रहो मेरा बच्चा, 6 लाख रुपए। अब इस पे कितने परसेंट रेट लगाऊं, 3%। जवाब आया 18,000। इसका पहला नाम क्या होता है बोलो, 18,000 का पहला नाम क्या होता है? एस्टिमेटेड बैड डेट लिखा हुआ है। यस सर। तो क्या इसको बैड डेट एक्सपेंस बोल दूं अब? यस सर बोल दूं, हमजा इसे बैड डेट एक्सपेंस बोल दूं? जब हम अकाउंट रिसीवेबल पर रेट लगाते हैं तो जो जवाब आता है उसका नाम एस्टिमेटेड बैड डेट्स होता है, और इसमें से ऐड या लेस करते हैं। कौन सा बैलेंस? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब मसला ये है कि आज अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस क्वेश्चन में है तो सही, लेकिन गौर से देखो वो कब है, स्टार्ट में। और तुम बैड डेट्स कब मालूम करते हो? लास्ट ईयर एंड में। तो इसका मतलब है तुम्हें अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी आखिरी दिन पता होना चाहिए, लेकिन कब पता होना चाहिए? एडजस्टमेंट बनने से पहले। फाइनल एंडिंग बैलेंस नहीं पता चल सकता तुम्हें, क्योंकि जब तुम ये बैलेंस मालूम कर लोगे फिर तुम एडजस्टमेंट बनाओगे, एडजस्टमेंट बनाने के बाद तुम्हारा बैलेंस फिर फाइनली चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें एडजस्टमेंट बनाने से पहले तक का बैलेंस पता होना चाहिए। तो जरा देख के बताना हमजा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स में साल के पहले दिन कितने रुपए थे? 20,000। किस साइट पर? क्रेडिट साइट पर। एक एंट्री बनाने से तुम्हारा बैलेंस क्या हो गया? लेस हो गया। तो कितने रह गए अलाउंस फॉर बैड डेट्स में? 16,000। किस साइट पर? डेबिट साइट पर। जोर से बोलो। नहीं, क्रेडिट साइट पर। इसीलिए तो जोर से बोला था मैंने, देखा जोर से बोलता है इंसान सही बोल देता है। तो क्या लिखा? लेस। लेस सही लिखा मैंने हमजा? यस सर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने 16,000 रुपए माइनस कर दिए मेरा बच्चा, और मैंने कहा
अच्छा अगर मैं इसमें माइनस साइन ना भी रहा तो कोई मसला तो नहीं है ना, आप सब समझदार है माशाल्लाह, जब लेस लिख दिया तो इतना भी काफी है। अब बताओ हमदर्स का नाम क्या है? बैड डेट एक्सपेंस। कंपनी वन की बुक में एंट्री बना सकते हो? अरे मोमिना माइक खोल दिया तुमने अपना, मैडम माइक बंद करके करो काम। मोमिना माइक बंद करो अपना। बैड डेट एक्सपेंस 2000 रुपए। ओके चलो भाई, हमने यहाँ लिखा कंपनी वन, क्लियर दिया हुआ सवाल में हमजा? यस सर। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, जब आप इसका अपने रजिस्टर में काम करेंगे तो आप इधर कंपनी वन ना लिखिएगा, आप यहाँ लिखिएगा कंपनी वन। अलग जर्नल बनेगा ना भाई इसका, एक जर्नल थोड़ी बन सकता है, कंपनी वन जर्नल जर्नल। और सवाल में मुझे तो यार नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमजा को नजर आ गया माशाल्लाह। नहीं नहीं सर, नहीं दिया हुआ। नहीं मैं देखा नहीं, नहीं, नहीं दिया हो, मेरी आंखें खराब हो गई, मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मुझे नजर ना आता हूँ, मुझे ज्यादा नजर आ रहा है आजकल। चल मैं चश्मा भी लगाऊं। मैंने तुक्का मार दिया था, देखा नहीं था। बेटा ये तुक्के मार मार के तुम लोग जो है ना काम खराब करो, तुक्के ना मारा करो, कुछ और मारो सही है। मेरे दोस्त मेरे भाई, मैंने कहा एयर नहीं है आज, ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, डेट भी लिखने की जरूरत नहीं है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अनाउंस और बैड डेट क्रेडिट, और अमाउंट आ गई मोहतरम 2000 रुपए। किसी किस्म की तकलीफ हो तो फौरी रब्ता कर लें अभी जी। 7:20 तक दवाखाने का टाइम है, इसके बाद दवाखाना बंद हो जाएगा जी, फिर मगरिब की नमाज होगी ना। तो अब कंपनी टू में एंट्री बनाएंगे, कंपनी टू में शुरू करूं काम? कंपनी वन में कोई मसला तो नहीं है, सबको समझ आ गया? अच्छा ये 16,000 लिखने कैसे आया है, ताकि बाद में तुम लोग समझ जाओ अगर मुश्किल हो तो। 20,000 - 4,000 सही है भाई इकरा मुनव्वर? थोड़ा सा समझ आ रहा है? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा समझ आ रहा है जी सर, बहुत, आ रहा है समझ। बहुत थोड़ा सा भी आ रहा है तो अच्छा है, क्योंकि ये ना ये बहुत डिटेल गुफ्तगू हुई है, जब तक तुम पिछला लेक्चर देखोगी ना तो तुम मुश्किल में रहोगी। हाँ नाइश भाई कहते हैं, नाइश भाई कहते हैं नरेशन सही कर लें, ऐसे लोग होते हैं जो कीड़े निकालते हैं। पूरी शादी सही हुई, सिर्फ एक एक मामले में थोड़ी कमी थी, तो उसने बोला है इनके तो सालन में नमक खाना सही नहीं था सर। चलो तो अब आ गए कंपनी टू की जानेब, छपाई करनी चाहिए, छपाई में भी बड़ी बरकत होती है। चलो कंपनी टू पे आ गया, क्या क्या है भाई कंपनी टू का, कितना परसेंट रेट है? 5% सही है, तो मैंने इसको कर दिया 5। अच्छा अकाउंट रिसीवेबल कितना है मेरे भाई? 4,00,000 रुपए। ये लो मैंने इसको 4,00,000 रुपए कर दिया, ज्यादा हो गया 1-0। 4,00,000 रेट है 5% कर दिया। 20,000 रुपए एस्टिमेटेड बैड डेट्स आ गया। अब तुम लोग मुझे हेल्प करोगे, करना क्या है? अच्छा पहले डिसाइड करते हैं यहाँ पे। हाँ भाई कौन साथ देगा मेरा? जनाब 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 कौन बचा? मोमिना बची या मोहसिन बचा? नहीं रिजा। हाँ रिजा चलो तुम आ जाओ। रिजा अब तुमसे बात करूंगा, अलिया से बात करूंगा। जी सर। मेरा बेटा कंपनी टू में आ रहा हूँ, और बैड डेट्स में क्या साल के पहले पैसे मौजूद थे? जी सर क्या बोल रहे हैं, मुझे दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ बेटा अगर कोरमे में नमक ज्यादा हो जाए तो कम कैसे करेंगे? कंपनी टू ने पिछले साल इस साल का नुकसान कितना सोच के रखा हुआ था? पिछले साल का नुकसान अगले साल के लिए 40,000 का। तो ये पिछले साल उसने इस साल के लिए 40,000 का नुकसान सोचा होगा जी सर। और इस साल नुकसान हुआ कितना? 14,000। तो अब बताओ अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पैसे बचे हुए हैं या कम पड़ गए? बचे हुए हैं। कितने बचे हुए मेरा बेटा? 26,000। अभी आपको बोलो चुप होके बैठे, वरना मैं उसी से पूछ लूंगा। हाँ कितने बचे? ओके 26,000। ये बचे हुए हैं या कम पड़ गए? बचे हुए हैं। किस साइड पे हैं? गए हैं क्रेडिट साइड पे। ओके तो मैं क्रेडिट साइड को क्या करता हूँ? लेस। मैंने लिखा 40,000 माइनस 40,000 नहीं था, 40,000 माइनस 14,000 और आपने बोला कितने? 26,000।
अब जरा तर्जुमा करोगी मेरे साथ, भैया तर्जुमा करना है तुमने मेरे साथ। कितने रुपए रखना चाहते थे डब्बे में अगले साल के लिए? अब हम अगले साल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, 40,000। नहीं मेरा बेटा, अब अगले साल की बात कर रहा हूँ। अगले साल, पिछले साल 40,000 रखे थे इस साल के लिए, इस साल में नुकसान 14,000 हो गया। अब इस साल के आखिरी दिन बैठे हैं हम, इस साल के आखिरी दिन हमने काम, इस साल के आखिरी दिन हमने काम, कितने रुपए बॉक्स में रखना चाहते हैं इस साल? 26,000। और से देख लो, 20,000 रखना चाहते हैं। एक काम करो, अलिया ही बता देगी, अलिया को पढ़ा लेता हूँ, तुम मत पढ़ोगे, अलिया ही पढ़ लेती है, वो ही बताई जा रही है, फायदा क्या? नहीं नहीं सर, मैं ही बता दी, 20,000। भाई ये हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं? जब हम अकाउंट रिसीवेबल परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास एस्टिमेटेड बैड डेट निकलता है, अब वो पैसे होते हैं हम अगले साल के लिए रखना चाहते हैं ना। तो मैं यही तो पूछ रहा था, तो आप 40,000 बोल रहे हैं। 40,000 तो पिछले साल के एंड करते होंगे इस साल के लिए, और इस साल नुकसान हो भी गया, क्या 40,000 हो गया पूरा? ना सर, 14,000। तो अभी भी अलाउंस में पैसे बचे हुए हैं। कितने बचे हैं? 26,000। और अब हम अगले साल का नुकसान सोच रहे हैं कितना? 20,000। तो हम चाहेंगे कि बॉक्स में रखे हुए भी हो बस 20,000, जबकि डब्बे में तो पहले से मौजूद है 26,000। तो क्या करूं? लेस कर दें, 6,000 डब्बे में और डाल दूं क्या? नो सर, माइनस कर दें। हाँ तो अब बॉक्स से क्या करूं पैसे? क्या करूं पैसे? 6,000 हम वापसी ले लेंगे ना। हाँ निकाल लेंगे, तो इसका नाम क्या बना? एडजस्टेड बैलेंस शायद, शायद मतलब शायद, शायद क्यों पता नहीं, शायद एडजस्टेड बैलेंस। पिछले सवाल में भी हमने ऐसे कुछ किया था, पहले कुछ किया था ना, ये भी सही है, जापान पहले यूज किया था। इस तरह का केस मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि हमें अगले साल के लिए नुकसान, हम अगले साल का नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं 20,000। तो हमें अपनी, जैसे अपने घर से निकल रहे हैं, हमें अंदाजा है कि हमें कितने रुपए खर्च करने हैं, 20,000 रुपए, तो हम रख के भी निकलेंगे 20,000, लेकिन हमारे ऑलरेडी पॉकेट में रखे हुए कितने? 26,000। तो हम अपने वॉलेट से कुछ पैसे घर में छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं यार हालात सही नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे लेके जाना ठीक नहीं है। तो हम 6,000 रुपए अपने अलाउंस फॉर बैड डेट से निकाल लेंगे, कम कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है, ये अलाउंस में पैसे रखे कब थे, ये याद करो, ये पैसे रखे कब थे? साल के पहले दिन। साल के पहले दिन, पैसे साल के आखिरी दिन। कौन से साल के आखिरी दिन? पूरा बोलो, पूरा पिछले साल का। हाँ ये पिछले साल रखे थे, यानी पिछले साल 40,000 रुपए खर्चा रिकॉर्ड हो करा था, करा था, खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है पिछले साल, और इस साल सिर्फ नुकसान हुआ कितना? 14,000। तो अभी भी 26,000 रुपए अलाउंस में बचे हुए हैं, और अब अगले साल का नुकसान 20,000 सोच रहे हैं, अभी भी अलाउंस में 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े, तो हमने 6,000 रुपए अलाउंस में निकाल लिए। अब एंट्री बताने की कोशिश करोगे क्या बनना चाहिए? यस सर, बताने की कोशिश करेंगे। Allowance of bad debt or expense and revenue summary credit. Allowance of bad debt, debit or expense and revenue summary credit. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बेहतरीन एंट्री बताई, जज़ाकअल्लाह। मैं इसका नाम रख देता हूँ कंपनी टू, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट 6,000 रुपए से, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 6,000 रुपए से, और नरेशन आपको याद होगी, नहीं याद तो यहाँ से छाप लें, टू एडजस्ट अलाउंस फॉर बैड डेट्स। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ ले रहे, ये केस नंबर कंपनी नंबर टू पे काम हो चुका है। सर आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है। हाँ वो मैं स्लो, जब मैं स्लो बोलूंगा तो स्लो आवाज आएगी, अभी देखें तेज आवाज आ रही है। जी सर तेज आ रही। अब
वो मैं जब ऐसे काम करते हुए बोलता हूँ ना तो फिर वो ऐसा मैं हल्के हल्के बोलना शुरू कर देता हूँ, काम करते हुए बोल रहा होता हूँ, जब आपको समझाते हुए मैं तेज बोलता हूँ काम, लेकिन जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं हल्के हल्के बात करता हूँ। अच्छा आप बताएं, ये क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? सर ये जनरल जनरल दिखाइएगा एक, हाँ बोलो बोलो जाफर बोलो, जनरल जनरल। अबे नाइस, एक मिनट जाफर की बारी बोलना, जनरल जनरल दिखा दे एकदम। आप बोले नाइस, आप फरमाइश करो। सर स्क्रीनशॉट छोटी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है, छोटा कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है जी सर। सही है जी सर, एक मिनट रुकिएगा। ऊपर कर दूं थोड़ा स्क्रीन को, कंपनी वन कंपनी टू, सही है। चलो प्यारे बच्चों, आप एक सवाल तो हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह, चलो कुछ तो हुआ आज की क्लास में, वरना नहीं होता तो गलत हो जाता है ना। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो मैं अभी होमवर्क बताऊं? यस सर बताएं। ओके आप तो साथ साथ ना देख लोगे तो जरा अच्छा हो जाएगा काम, तो ये है जी सर बोले। मैंने भी दो दवा निकाले थे, 2018 रेगुलर का तो थर्मल थ्री, 2018 रेगुलर। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर आप लोगों के पास में है तो मैं लिख देता हूँ, 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर थ्री जी बिल्कुल नहीं कर सकते, पता है क्यों? उसका अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालने के लिए टी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ये आगे पढ़ेंगे मेरा बच्चा। आप जुबानी कर सकते हो लेकिन आपके पास हर कोई जमीन नहीं है ना, तो अभी इस सवाल को ना करो, सही है उदयपा? सर एक और है, बोले सर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट नहीं करेंगे हम लोग? अबे क्वेश्चन 9 में और क्या, बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट और फिर अज्यूम अकाउंट रिसीवेबल रिटन ऑफ ऑफ कंपनी टू रिकवर गिव जनरल एंट्रीज क्या है? तो मैं समझा कि कंप्लीट हो गया, मैं समझा कंप्लीट हो गया, चलो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, एक मिनट भी नहीं लगेगा अल्लाह के, जल्दी से कंप्लीट करते हैं जितना वक्त बचा। अच्छा ये वाली बात तो फौरन तुम लोग ऐसी बता दो जुबानी, फ्री वाली बात तू मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ चलते, ये तुम लोग सोचो जरा दिमाग में क्या कह रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल जो रिटर्न ऑफ हुआ था कंपनी टू का उसके रिकवर होने की एंट्री बनाओ, बताओगे अभी मुझे क्या एंट्री बनेगी कंपनी टू की बुक में, अभी एंट्री बनवा दो। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, और फिर दूसरी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। एक्सीलेंट, लेकिन ये कब बनेगी, बैलेंस शीट बनाने के बाद, यानी ये इसी दिन रिकवरी नहीं हुई है, ये बाद में कभी हुई है, सही है। अब मैं कंपनी वन की बैलेंस शीट बनाऊं, इजाजत है? यस सर। ओके जल्दी से कंपनी वन की बैलेंस शीट बना देते हैं, फिर टू की बना देते हैं, जल्दी जल्दी मामला निपटाते हैं। इससे पहले मैंने बैलेंस शीट बनाई है ना, मुझे याद पड़ता है, अगर बनाई है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिल जाएगा तो काम जरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। जी मिल गया मिल गया, ये आ गए करके यहाँ, ये आ गए कंपनी वन, क्या बात है भाई बेहतरीन, एज ऑन डिसम्बर 31st नहीं पता, एज ऑन डैश डैश, ठीक है ओके। एसेट्स में करंट एसेट, चलो लिखवाओ, कितना लिखूं कंपनी वन का बताओ तुम लोग, शाबाश, सवाल दिखाऊं अगर हेल्प चाहिए। 6 लाख ओके लिख दिया 6 लाख, सही है। अब बताओ यहाँ क्या लिखूं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने लिखूं आप बताओ, सवाल शो करूं हेल्प के लिए, जरा सवाल कंपनी वन में अलाउंस फॉर बैड डेट्स अब कितना लिखूं आप, हाँ भाई सन्नाटा हो गया, सबको आता है, मजे की बात है, अभी मैं बताऊंगा ना सब बोलेंगे अबे यार ये तो आता था। आप लोग यहाँ मौजूद हैं या सो गए? ये तन मौजूद हैं। 16,000 लिखेंगे, 16,000 लिखेंगे। अच्छा सोच लो, 16,000 लिखूंगा,
16,000 आपने बैलेंस निकाला था क्या बनाने से पहले? अभी भी नहीं बता रहे? मेरा क्या, मैं बता दूंगा। 18,000 लिखे। चलो आओ चेक करते हैं। सुन लो भाई, किसी को 16,000 समझना है पहले ये बताओ ईमानदारी से। 16,000 समझ कैसे आया? समझना है ये पूछ रहा हूँ। समझ आ गया? 16,000 क्लियर है सबको? 30,000 क्रेडिट में थे, साल के दौरान 4,000 डेबिट किए, अभी भी क्रेडिट में बचे हुए कितने? 16,000। ये बात तो सबको क्लियर है ना, हमजा को और मोहसिन को और लाइबा जावेद, मोमिना और रुजा, ये सबको क्लियर है। और नाइस, यस सर। सही है। अब मैं कहता हूँ 16,000 अगर क्रेडिट में बचे हैं, तो मैंने कंपनी वन की बुक्स में कोई एंट्री बनाई है? फटी हुई आंखों से देखो। बोलो, कंपनी वन की बुक में कोई एंट्री बनाई है? यस सर। क्या बनाई है? बैट पेन 2,000 रुपए। तो मैंने अलाउंस पर बैट को और क्या किया है साल के आखिरी दिन? सर बढ़ाया है। तो बढ़ाया है। 16,000 कहाँ बचे हुए थे मोहसिन भाई? क्रेडिट। और ये 2,000 मैंने और क्या कर दिए? क्रेडिट। तो कितने हो गए? 18,000। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 18,000 माइनस होके 582। कंपनी वन की बैलेंस शीट बन गई। और दूसरी काम की बात, क्या सीखने को मिली? अगर आप देख रहे हैं सब लोग, सीखने को ये मिला, क्या आप इसका तर्जुमा बता सकते हैं? लाइबा जावेद, क्या आप मुझे इस 18,000 का तर्जुमा बता सकती हैं जल्दी से? वक्त खत्म हो रहा है, तेजी से बोलिएगा। म्यूट करने में, अनम्यूट करने में इतना टाइम लग रहा है। लाइबा को मेरी आवाज नहीं आ रही। हमजा, इस 18,000 का तर्जुमा क्या है? सिर्फ कितने रुपए? 2,000। तो क्योंकि पहले से उसमें कितने बचे हुए थे? 16,000। दो और रखने से उसका बैलेंस ऑटोमेटिकली ये हो गया, बढ़ गया सर। इसका मतलब है रट्टा लगाया जा सकता है कि बैलेंस शीट में हमेशा अमाउंट आएगी किस अमाउंट के बराबर? तेजी से बना रहा हूँ, अगर वर्क खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, आप खुद बनाना। कंपनी टू की बैलेंस शीट ये रही। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बताना जल्दी से कितना है? 4,00,000 रुपए। और 4,00,000 रुपए, और उसमें क्या था? उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स में 26,000 बचे थे, और 26,000 में से हमने क्या किया था? 26,000 बचे हुए थे, 40 में से 14 माइनस करके 26 बचे थे, और हमने 6,000 रुपए अलाउंस में से और निकाल लिए थे। तो अब कितने बचे अलाउंस में? 20,000।